नीट परीक्षा 2024 में सिलेबस चेंज होने के बाद महानगरों के पैटर्न पर ओमेगा ने शुरू की है टेस्ट सीरीज परीक्षा। पहले ही दिन 500 से अधिक बच्चे हुए शामिल। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट हमेशा से ही बहुत चुनौतीपूर्ण प्रवेश परीक्षा रहा है, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीट पाने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। नीट 2024 के लिए मिथिलांचल के दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर कोचिंग संस्थान में नीट टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। यह टेस्ट सीरीज पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। मेडिकल प्रतिभागियों के लिए दरभंगा जैसे शहरों में यह एक नई शुरुआत है। पहले इस तरह के परीक्षा का आयोजन महानगर में ही हुआ करता था, लेकिन ओमेगा स्टडी सेंटर में मिथिलांचल में रहकर जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए एक मौका लेकर आई है। वहीं संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि यह एक नई शुरुआत है, खासकर नीट 2024 का सिलेबस भी काफी चेंज किया गया है। इसको देखते हुए हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज में कुल 32 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल किया गया है। अभी तो हम लोग जो ये टेस्ट जो है कि ये वाला अभी हम लोग को मतलब जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो सर बोले थे कि उसके अकॉर्डिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि फिर अभी जेई का एग्ज़ाम होगा तो हम लोग को फाइनली पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा आने वाला है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से या फिर नहीं। तो इसीलिए ये टेस्ट तो अभी जो हम लोग दे रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट मतलब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है जो नया सिलेबस आया है। पहले जब मेरा कोचिंग था जो हम कर रहे थे पहले, वहाँ पे डिफरेंस ये था कि जो क्लास में मुझे कॉम्पिटिटिव नहीं मिल पाया था, कॉम्पिटिशन नहीं मिल पाया था, और टेस्ट का भी थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत था कि टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं होता था, और सिलेबस कंप्लीशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अभी टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज में 32 टेस्ट है टोटल, और आज अभी हमारा फर्स्ट टेस्ट चल रहा है, और ऐसे टेस्ट हम लोग बहुत पिछले 4 महीने से दे रहे हैं कंटिन्यूसली, और अब ये नया स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरे 32 टेस्ट है और वीकली टेस्ट है, इसमें हर वीक हो रहा है, और 20 के बाद बाकी मतलब 8 माइनर टेस्ट है पार्ट सिलेबस के हिसाब से, बाकी सारे मेजर टेस्ट है फुल लेंथ के। राजू कुमार, अच्छी चल रही है अभी, जब तक नीट एग्ज़ाम लास्ट डेट तक 30 अप्रैल कब तक होने वाला है? 30 अप्रैल तक। क्वेश्चन काफ़ी सही स्टैंडर्ड के हैं, और मैं आज हमारी कोचिंग में पहली बार ये टेस्ट सीरीज़ आई है। टोटल 30 टेस्ट हैं, 10 पार्ट सिलेबस है और 22 फुल सिलेबस टेस्ट है। आज फर्स्ट सिलेबस है, पहले सिलेबस का टेस्ट था वो आज हम लोग देने आए हैं। मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी चैप्टर्स इस साल के लिए रिड्यूस कर दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन है सारे, और सारे क्वेश्चन उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हम लोग को काफ़ी सहूलियत है। गया स्टडी सेंटर मिर्जापुर ने नीट 2024 में अपियर होने वाले सभी बच्चों के लिए, मिथिलांचल में जो भी बच्चे नीट का एग्जाम इस बार देंगे, 32 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज लाया है, जो नीट का जो नया सिलेबस में बदलाव आया है उस सिलेबस के पैटर्न पे है, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट है जो जनवरी और फरवरी के महीने में हर एक ट्यूजडे को लिया जाएगा, और 22 फुल सिलेबस टेस्ट है जो मार्च और अप्रैल में हर एक 3 दिन के गैप पे दिया गया, जिसका डिटेल सिलेबस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। इस टेस्ट में टोटल आज फर्स्ट टेस्ट था 9 जनवरी को, जिसमें 500 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया मिथिलांचल का, जिसने हमारे ओमेगा टीम के सभी मेंबर के उत्साह को बढ़ाया। हमें लगा कि हमने एक नई शुरुआत की और अच्छी शुरुआत की है। टेस्ट देने के बाद ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, या जिनका स्कोर बैलेंस हो पाता है, क्योंकि टेस्ट से ही हम एक्यूरेसी बच्चे को सिखा पाते हैं, टेस्ट दे करके ही एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है बच्चे समझते हैं, और ऐसा नया शुरुआत IIT और मेडिकल के में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मिथिलांचल के जा पाए, ओमेगा उनके लिए एक नई शुरुआत करती रहती है। इससे पहले हमारा DPP स्टडी मटेरियल एक्सक्लूसिव JEE पैटर्न रिवीजन क्लास, नीट पैटर्न रिवीजन क्लास हम लोग देते आए थे, लेकिन इस बार जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, और यह देखते हुए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस में चेंज आ गया है, और हज़ारों बच्चे मिथिलांचल के नीट में अपियर होते हैं, ओमेगा के भी लगभग 300 बच्चे अपियर होंगे इस बार नीट में, तो उनको टेस्ट कैसे लिया जाए। तो एक नए सिलेबस पे हम लोगों ने बाहर के टीम के सपोर्ट को लेकर के, अपने टीम के सपोर्ट को लेकर के पेपर डिजाइन करवाया है, जिस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन में हमारे बच्चों को टेस्ट के दिन ही शाम में अवेलेबल करवाएंगे, साथ में उसका डिस्कशन कल होगा, और इससे बच्चों की एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ साथ बच्चों में एग्जामिनेशन के प्रति माहौल, जो एग्जामिनेशन का माइंडसेट जो होता है इस एनवायरमेंट में, दिल्ली कोटा पटना में बड़े बड़े संस्थान पहले करवाया करते थे, लेकिन अब एजुकेशन को देखते हुए दरभंगा में भी हम लोग मिथिलांचल के बच्चों के लिए रीजनल लेवल है, किसी भी संस्थान के लिए इस तरह का टेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिथिलांचल के बच्चे अब दर्जनों सेलेक्ट होकर के IIT और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, और इस बार मेडिकल कॉलेज में
बच्चे जो जाएंगे उनके लिए एक नया सिलेबस, एक नया चैलेंज लेके आएगा। वही देखते हुए दरभंगा के बच्चों के लिए, मिथिलांचल के बच्चों के लिए हम लोग नया टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। टेस्ट देने के बाद हमें उम्मीद है इस टेस्ट में जो आज बच्चे अपियर हुए हैं इनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि टेस्ट का जो फी है एकदम नॉमिनल रखा गया है और दर्जनों बच्चे का सिलेक्शन सरकारी संस्थान में होगा।